हेलो एवरीबॉडी, क्लास नाइन्थ की वर्कशीट आ गई बेटा। वर्कशीट नंबर 26, 3rd of September 2020 है। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू ऑल लव टू लिसन टू स्टोरीज़। आपको स्टोरीज़ पसंद है, दे आर सो मच फन, इनमें कितना मज़ा आता है। वी आर लिसनिंग, वी ऑल लाइक, हमें पसंद है सबको लिसनिंग टू फॉक टेल्स। कुछ फॉक टेल्स सुनना, टेल्स होती हैं कहानियाँ। फॉक होता है बच्चा आपकी, जहाँ से आप हैं उस रीजन की, उस जगह की कहानियाँ सुनना। घोस्ट स्टोरीज, भूतों की कहानियाँ सुनना। स्टोरीज विद फेयरीज, परियों की कहानियाँ सुनना। एंड विज़र्ड, जादू की कहानियाँ सुनना। स्टोरीज विद चिल्ड्रन, बच्चों की कहानियाँ सुनना। स्टोरीज विद मैजिक, जिसमें जादू हो। स्टोरीज विद आर गॉड्स, हमारे भगवान की कहानियाँ। और एलियंस, या दूसरी ग्रह से आए लोगों की कहानियाँ। स्टोरीज अबाउट सुपर हीरोज, सुपर हीरोज की कहानियाँ। द फर्स्ट स्टोरी आई रिमेंबर रीडिंग एज अ किड वॉज अबाउट अ टॉर्टॉइज एंड अ रैबिट। जो स्टोरी मुझे याद है, जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, दैट वॉज अबाउट अ टॉर्टॉइज एंड अ रैबिट, एक कछुए और एक खरगोश की कहानी थी। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बैक, बहुत टाइम पहले की बात है। डू रिमेंबर एनी स्टोरी, क्या आपको कोई स्टोरी याद है यू रीड और हर्ड वेन यू वर अ किड, जो आपने पढ़ी थी या सुनी थी जब आप बच्चे थे। डू यू नो अ स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, स्टोरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लेट मी टेल अबाउट देम, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। देखिए, कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कैरेक्टर्स अलग अलग तरह के होते हैं स्टोरी में, अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। पीपल हो सकते हैं, एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं स्टोरी में। सेटिंग, कहाँ पर हुई स्टोरी, कब हुई, ये होती है सेटिंग। प्रॉब्लम, और चैलेंज था, या तो कोई चैलेंज करता है किसी को, या कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई आपस में झगड़ा था, वो मेन कैरेक्टर को क्या प्रॉब्लम हुई या क्या चैलेंज हुआ, ये होता। और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे होता है, यानी कि ये होता है पूरी स्टोरी का सार। यानी कि आपको पहले कैरेक्टर्स डिसाइड करने पड़ते हैं, फिर आपको देखना पड़ता है क्या हुआ था, फिर आपको प्रॉब्लम देखनी पड़ती है कि जो मेन हीरो है, मेन कैरेक्टर है आपकी स्टोरी का, उसको क्या प्रॉब्लम हुई, फिर आपने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में वी लर्न टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्टोरी। हम कोशिश करेंगे कि हम एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी पढ़ना समझें, ताकि हम लोग स्टोरी राइटिंग सीख सकें। क्योंकि अगर आपको पता होगा स्टोरी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तभी आप स्टोरी लिख पाएंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट वी आर एबल टू राइट एंड शेयर स्टोरीज वी वॉन्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। In this worksheet, we learn to understand different elements of a story. ताकि हम लोग, this is important, so that किस लिए important है ये, हम लोग लिख सकें और share stories कर सकें जो हम चाहते हैं। तो ये चारों चीज़ें, अगर आपकी story में character है, setting है, problem है और फिर solution है, तो आप एक अच्छी story write कर सकते हैं। You can be a good story writer. You let us read this simple story and found out the elements. चलिए, the crow and the picture. सबसे पहले होती है heading. आपको heading देखनी चाहिए, और वैसी heading देनी चाहिए जिससे interest आए पढ़ने वाले को कि स्टोरी में क्या है। चलिए, यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर है क्रो। सबसे पहले हमें हेडिंग में मिल गया है कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर हमारा क्या है, क्रो है। इन द स्पेल ऑफ ड्राई वेदर के स्पेल में, यानी उस मौसम में, व्हेन द बर्ड्स कुड फाइंड वेरी लिटिल टू ड्रिंक, बहुत कम मिलता है बर्ड्स को, बहुत कम पानी मिलता है। अ थर्स्टी क्रो फाउंड अ पिक्चर, एक थर्स्टी क्रो को एक पिक्चर मिल जाता है, एक मटका मिल जाता है। पिक्चर इज़ नॉट पिक्चर, पिक्चर इज़ मटका, ठीक है बच्चे। विद अ लिटिल वाटर इन इट, उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा पानी है। उस पिक्चर के अंदर क्या है बच्चे, थोड़ा सा पानी है, और वो नीचे की तरफ होगा। पानी मटका है तो पानी कहाँ होगा बच्चा, नीचे की तरफ होगा। तो फिर क्या होता है, बट द पिक्चर वॉज हाई एंड हैड अ नैरो नेक, और इसकी पतली सी गर्दन होती है और ऊंचा होता है। एंड नो मैटर हाउ इट ट्राइड, और उसने बहुत कोशिश की, नो मैटर मतलब कितना भी उसने कोशिश करी, द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर, क्रो कहाँ नहीं पहुँच पा रहा था वाटर तक। द पुअर थिंग फेल्ट, पुअर थिंग यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, क्रो के लिए। द पुअर थिंग फेल्ट ही एज ही इफ ही मस्ट डाई ऑफ थर्स्ट, कि उसको लगता है कि शायद वो किससे मर जाएगा, प्यास से मर ही जाएगा। देन एन आइडिया केम टू हिम, उसके पास एक आइडिया आता है। वो क्या करता है बताइए, क्या करता है, ये स्टोरी सबने सुनी है। पिकिंग अप स्मॉल पेबल्स, जो आसपास छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, वो उनको उठाता है, और उठाकर किस में डाल देता है, यहाँ पर इसमें डाल देता है, पिक्चर में, मटके में। ही ड्रॉप देम इन टू द पिक्चर, उसमें पिक्चर में डालता है वन बाय वन, एक एक करके। विद ईच पेबल, हर एक पत्थर के साथ, द वाटर रोज लिटिल, थोड़ा सा पानी ऊपर आता है। टुगेदर अनटिल द लास्ट इट वॉज नियर इनफ सो ही कुड ड्रिंक, इतना नज़दीक कि वो पी सके। ठीक है बच्चे, आपको समझ में आई स्टोरी। अब हम आते हैं स्टोरी से वापस
जो प्रॉब्लम है वहाँ पर, प्रॉब्लम कहती है व्हाट हु इज, वो इज़ द करेक्टर। करेक्टर दो ही हैं, क्रो और पिक्चर को भी एक करेक्टर मान सकते हैं, नहीं भी माने तो भी, पर पिक्चर करेक्टर है क्योंकि और कोई करेक्टर है ही नहीं। और पेबल्स को भी आप करेक्टर अगर मानना चाहो तो पेबल्स भी करेक्टर है। सेटिंग क्या है? थर्स्टी क्रो है। क्या है सेटिंग? थर्स्टी है क्रो, उसको क्या चाहिए? ही नीड्स वाटर, इट नीड्स वाटर। प्रॉब्लम क्या है? नीड वाटर, नीड वाटर, और वाटर लेवल लो है। प्रॉब्लम यह है वाटर लेवल लो है इन द पिक्चर, उस पानी के मटके में जिसमें वो पानी पीना चाहता है, उसमें पानी का लेवल क्या है? लो है। ठीक है बच्चे, ये है उसकी प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। अब हम चलते हैं आगे, सॉल्यूशन क्या किया उसने? सॉल्यूशन ये किया, पुट पेबल्स, इट पुट पेबल्स इन द पिक्चर, वो पिक्चर में पेबल्स डालता है और पानी पी लेता है, ये वो सॉल्यूशन करता है। ठीक है बच्चे, क्लियर? तो आपकी स्टोरी में अगर आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं, अभी मान लो आपके मन में एक स्टोरी आती है कि कुछ ऐसा लिखना चाहिए, तो आप क्या चीज़, चार चीज़ें ढूंढेंगे बच्चे, आप चार चीज़ें ढूंढेंगे। पहले ढूंढेंगे कैरेक्टर्स, क्या आप कैरेक्टर्स चाहते हैं, फिर आप ढूंढेंगे सेटिंग्स, क्या सेटिंग्स चाहते हैं, फिर आप ढूंढेंगे प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम चाहते हैं, फिर आप ढूंढेंगे सोल्यूशन कि आप क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं। आई होप आई एम एबल टू डू अवे विद ऑल द क्यूरियोसिटी रिलेटेड टू द वर्कशीट। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट एंड कीप लाइकिंग शेयरिंग द वीडियोज। इन केस यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, काइंडली ज्वाइन द चैनल लर्न English, because let's English mein we are teaching English, to think in English, how to think in English, and then how to speak in English. In case you want to learn better English in a fluent English, then kindly join the channel Let's English. I'll share the link of the channel in the description box. Till then, bye bye, take care, good night.